अज असट जो असो मेहमान है उन दिल रूपी सागर में भी अथा कला जा कणा भरपूर आन जी हाँ साथियों अज असि महफिल जो मोर है सिंधी रंगमंच हिंदी रंगमंच रेडियो टीवी ए फिल्मों जो मशहूर कलाकार ए संगीतकार महेश चंद दिल भर जे दर ते वन्या दर ते वन्यन जी आमन दर ते वनी पहुत से बिपर खड़ खड़ करण जी आमन खड़ खड़ करे दर के खड़कायू पुछाई के रुआ हाणे भला माछा करया नाले खणण जी आमन नालो बिवर तू दिल झले नालो बुधी चुप थी वियो वाका भला मा किए करया वाकन करण जी आमन वाका करे जी मू पुकारो थी खफे हुन ही चयो वापस हलो वल तू चंद्र अंदर अचण जी आमन वाह वाह अच्छा साथियों ये तो असो महेश चंद्र साहेब संगीत आचार्य मास्टर चंद्र जो फर्जंद है पर उनके पेंजे नमूने अलग हस्ती है अलग वजूद है अलग सुणप है अलग नालो है महेश चंद्र जी कला जी गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान जी कुंड कुर्स में वजी चुकी है पर संदस कला रूपी बिगल विदेश के वादियों में पिण वजी चुको है। हाँ साथियों महेश चंद्र जी ही रंगमंच से कदम रख दर्शक ताड़ियों के फेकन से उनको स्वागत कंदा हैं बस एक दफो गायण शुरू कयाई तो असली फरमाइश मथा फरमाइश अचान शुरू थी वी है। महेश भाऊ हाँ जी स्टूडियो में तुझो स्वागत है। मेहरबानी। अच्छा सब का पैरी असा के इहो बुधायो ता ता पेंजे कला जी शुरुआत की है कदे का कई। दरअसल मां 14 15 साल जो होस तरह खां बस मां गजल गाइंदो होस काफी गाइंदो होस अच्छा ठाइंदो होस मतलब कंपोज कंदो होस 15 16 साल जो उम्र में ही मतलब वो रियाज चंगो ही थियो हां त इन करे 19 20 साल जो उम्र में पिता साहब मुके एचएमई वठी लिया। अच्छा हां तो उत एचएमई में 19 20 साल जो उम्र में पहरो मु गजल गलन जो गजल जो रिकॉर्ड मु भरियो अच्छा असा जी दीदी लता मंगेशकर भी उन के रिकमेंड कयो मुजो उन जी सहायकार वाह। अच्छा महेश भाऊ अग्या वधना खा अग में जकडे तहां जे का गायके जे जका असा टीवी में प्रोग्राम थेला उन जी झलकी असा पने दर्शकन के देखारियो ता भले भले देखा ता ही दसो जे अखड़ियों की न अटकन हा पैदा प्यार छो थे रहन खामोश हा नजरों तही आजार छो थे अजब आहे इन्हन अखियन ते रोण जिन खा वियो विसरी बटे जे लुड़क लाड़ना त दिल ते बार छो थे जह वक्त थो नहारी जह वक्त थो जह वक्त थो निहारी सुहणा अखियों खनी थो दिल के घणो वणी थो जह वक्त थो निहारी जह वक्त थो निहारी सुहणा अखियों खनी थो
दिल के घणो बणी थो सच थो चवां सुहणा दिल के घणो बणी